कुछ ही देर में जो है यहाँ के जो मैनेजर है उनसे हम लोगों की बातचीत होनी है, तो जब बातचीत हो जाएगी उसके बाद देखते हैं क्या होता है। बहुत अच्छा तो नजारा देख सकते हैं जी, यहाँ पर सभी लोग जो है क्रिकेट सब भी खेल रहे होते हैं और एकदम लग रहा है ग्रीन ग्रीन सा, बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे पूर्णिया में भी इतनी खूबसूरत जगह। काश हम लोग ये होटल भी बुक कर पाते तो बहुत अच्छा रहता, अपना सपना पूरा हो जाता। भी होता कि मैं ऐसे बुक कर पाती अपनी एनिवर्सरी के लिए, तो किसी का ड्रीम ही हो सकता है ऐसा जगह। तो अभी हो गए हैं जी तैयार, और तैयार होकर के आज हमें निकलना है किसी खास जगह। जी हाँ, वह खास जगह है जहाँ पर हमारी एनिवर्सरी पार्टी होने वाली है, तो उस स्पॉट को जो है आज जल करके जो है फाइनल करना है, और उसका कुछ झलक जो है आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। और क्रियांश को भी तैयार किया जा रहा है, और क्रियांश अपना जो है चश्मा पहना हुआ है, तो उसके बाद चलते हैं जी नीचे खाना खाते हैं। ये क्रियांश तुरंत पहन लिया और तब से पोज दे रहा है, टूटेगा नहीं ना, तब तक रखा नहीं चश्मा टूटेगा नहीं, तब तक चैन में नहीं मिलेगा। हम सभी गाड़ी में बैठ चुके हैं, क्रियांश भी बैठी है, क्रियांश मुंह में उंगली करना सीख लिया है। नो बेटा नो, इधर पति देर ड्राइवर थोड़ी सी लेट हो गई, हम लोगों को पहले निकलना चाहिए था, लेकिन क्या कर सकते हैं, बच्चे रहते हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ही जाता है, समय कितना भी एडजस्ट करो थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। तो चलते हैं, देखते हैं क्या सब होता है और आप लोगों को भी दिखाते हैं। Few inches later. सभी पहुंच चुके हैं और वेट कर रहे हैं किसी का, तो यहाँ पे क्रियांश जब पूरा तबाही मचा रहा है, जब तक आप लग रहा है बाहर नहीं निकलेगी तब तक क्रियांश चैन से रहने नहीं वाला है, और पूरी गाड़ी को जो एक बार ऑन ऑफ। और यहाँ जो होटल है जी काफी अच्छा होटल है, मैं ना देख के बहुत ज्यादा खुश हो गई। 200 एकड़ में ना, 200 एकड़ का ये प्रॉपर्टी है, हाँ, जिसमें से 25 एकड़ में सिर्फ होटल है। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत बड़े एरिया में है। जब मैं वहाँ से एंट्री की तो बहुत अच्छा लग रहा था, फिलहाल तो अभी अंदर नहीं गए, अंदर जाएंगे तो देखेंगे कैसा है क्या है। बाकी यहाँ पे तो मुझे आके बहुत अच्छा लगा, अंदर सिर्फ बिल्कुल ही। उम्मीद करते हैं कि उस दिन डेट खाली हो और सब कुछ जो है जो हमने सोच रखा है सब कुछ फाइनल हो जाए जिस तरीके से हम लोगों ने सोच रखा है, तो बहुत ही मजेदार पार्टी होगी। तो देखते हैं क्या होता है, आपको बताते हैं, बस सब कुछ अच्छे से हो जाए मैं तो यही चाहती हूँ। तो फिलहाल हम आ गए हैं जी प्रॉपर्टी के अंदर, और यहाँ पर देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा स्विमिंग पूल है, और इसके अलावा भी यहाँ क्या क्या चीज़ है सभी आपको दिखाते हैं। और कुछ ही देर में जो है यहाँ के जो मैनेजर है उनसे हम लोगों की बातचीत होनी है, तो जब बातचीत हो जाएगी उसके बाद देखते हैं क्या होता है आगे। बाकी प्रॉपर्टी तो बहुत पसंद है जी, पार्टी के लिए यह स्पॉट है, यह जो वेन्यू है बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। और जब से यहाँ पर आए हुए हैं क्रियांश चाह रहा है कि एकदम पूरा दौरे इधर खेले, और वो चाह रहा है कि स्विमिंग पूल में भी जाए, लेकिन अभी नहीं जाना है जी, जिस दिन अगर भगवान दया से यहाँ पर सब कुछ बुक हो गया तब लेकर के जाएंगे। ऐसा व्यू है देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर है, और ये है स्विमिंग पूल एरिया जो कि बहुत खूबसूरत है, और यहाँ पे क्रियांश जो है पूरा एंजॉय कर रहा है, और इधर समर कैंप भी चल रहे थे बच्चों के, और बहुत सारे सब्सक्राइबर भी मिले, बहुत अच्छा लगता है। A few moments later. तो जी यहाँ का तो स्विमिंग पूल का एरिया सब दिखा दिया आपको, और अभी आपको बाकी एरिया सब भी दिखाते हैं। और फिलहाल हम लोग जा रहे हैं रूम सब देखने की, सबसे मेन चीज़ है रूम, क्योंकि सारे गेस्ट सब आएंगे और वो सब आकर के यहाँ पर स्टे करेंगे, तो उनके लिए तो वह सब देखना होगा, और देखते हैं प्रॉपर व्यवस्था सब रहे, क्योंकि सभी के पास बच्चे भी हैं तो उनका भी ख्याल रखना है। क्रियांश लेफ्ट में जो है, क्या कर रहे हो बताओ, क्या कर रहे हो क्रियांश, क्या कर रहे हो, बटन देख रहा है ये अपना मम्मी चलिए बहुत अच्छा है बहुत। तो ये बाहर से कुछ ऐसा वाइब है रूम का, मैंने देख लिया उधर का, बहुत सुंदर है। और ये देखिए यहाँ से कितना मस्त वाला व्यू है, तो देख सकते हैं जी यह है हमारा बालकनी एरिया, चलो तुम भी देखो, यह है हमारा बालकनी का एरिया, और यहाँ से कितना मस्त वाला व्यू है। तो नजारा देख सकते हैं जी, यहाँ पर सभी लोग जो है क्रिकेट सब भी खेल रहे होते हैं, और यहाँ जो कैंपस है बहुत बड़ा कैंपस है, लगभग 25 एकड़ का, कवर भी ना कर पाऊंगा। हाँ, तो 25 एकड़ का लगभग यह कैंपस है, और यह जो पूरा एरिया है यह लगभग 200 एकड़ का है, तो उसमें से 25 एकड़ का होटल, हाँ ये भी होस्ट करेगा, तो अच्छा है जी। यहाँ पर सभी लोग बैठ करके अपना चाय कॉफी सब लिया करेंगे, तो चलिए रूम अंदर का दिखाते हैं आपको, जिया तो दिखा करके लाई है, मिरर सब है, और यहाँ टीवी सब है, जो कि बच्चे तो सबसे पहले यही डिमांड करेंगे कि टीवी मिलना चाहिए,
और बेड देख रहे हैं, यह भी बहुत ही कंफर्टेबल है, ये देख सकते हैं, और अच्छा है, और एक हाँ एकदम लग्जरी वाला फीलिंग आपको आएगा एक यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आपको दिखाते हैं। अच्छा, वॉशरूम इस साइड। ओके, वॉशरूम देख लेते हैं। जिया आजा, देखो वॉशरूम, वॉशरूम में जकोजी भी है। अच्छा, तो जकोजी भी है और सब कुछ है, अच्छे से देख सकते हैं। और ये देखिए जी, आपको पूरा फीलिंग देखा, एक पूरा ताज होटल वाला जो आप लोग देखते हैं। हाँ हाँ, और साथ में यहाँ पर सारा सब आइटम सब भी है, स्नैक्स सब है आपको। तो हम लोग जी सारा प्रॉपर्टी सब देख रहे हैं, यहाँ प्रॉपर्टी का जो भी एरिया सब है, तो आए हुए हैं। थोड़ा सा लुक है पीछे। हाँ हाँ, और अभी आपको होटल के अंदर से दिखा रहे थे, रूम के अंदर से दिखा रहे थे, अभी आपको रूम के बाहर से दिखाते हैं। और भाई साहब सारा हमको दिखा रहे, शिव टेम्पल, शिव टेम्पल, नेचर वॉक, वाह, चाय टपरी भी है इधर। तो अपना एक जो है देसी लुक भी दिया गया है इन सब चीजों में। तो होटल के आगे हैं जी हम लोग एक और इलाके में, और यह जो इलाका है जी, यहाँ से लेक व्यू आपको दिखेगा। और सबसे पहले इधर आपको लेकर के चलते हैं टेंपल वाले एरिया में। तो यहाँ पर शिव जी का मंदिर है, और इस मंदिर से भी जो है एक लेक का अच्छा व्यू मिलता है। तो हम आगे हैं जी यहाँ पर, तो देख सकते हैं जी टेंपल का व्यू यहाँ से, ये देखिए जी। देख लो आगे लेक है यहाँ से, आ जाओ देखो जी, इधर लेक है, ये देखो। तो ये देख सकते हैं, ये है लेक एरिया जो कि काफी खूबसूरत है, और एकदम लग रहा है ग्रीन ग्रीन सा, बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे पूर्णिया में भी इतनी खूबसूरत जगह है। और ये मंदिर है, तो मंदिर तो आपको तो हमने दिखा दिया, और इसके बाद यहाँ पे दो क्रियांस जो है एक साथ मिल गया, इसका भी नाम क्रियांस। हाँ, यहाँ जो बच्चा है इसका भी नाम क्रियांस है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि जहाँ जाती हूँ वहाँ बहुत सारे प्यार करने वाले लोग मिल जाते हैं, तो बहुत खुशी होती है कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। और इसके अलावा जो है क्या, किसी और साइड देख रही है फिर, और इधर भी सेम सेम है, इधर क्या है, इधर ग्रीन। हाँ हाँ, ग्रीन। अच्छा भैया दिखाने वाले थे ग्रीन वैली, किस साइड है, वो साइड है। हाँ। चलिए हम लोग तो चलते हैं वहाँ पर, दिखा रहे हैं हर जगह। मुझे लगता है कि इतना बड़ा एरिया है कि कवर कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। बिल्कुल, तो हम लोग घूमने तो आए हुए हैं, काश हम लोग ये होटल भी बुक कर पाते तो बहुत अच्छा रहता, अपना सपना पूरा हो जाता। बत्तख नहीं, हंस, वाह तुम भी भूल गए एकदम, वाह। कटिंग वीडियो चलता है ना, कोई बात नहीं, कट लग जाएगा इसमें। तो देख सकते हैं जी अच्छा खासा हरा भरा एरिया यहाँ पर, और कुछ कुछ यहाँ पर हम सब भी है। तो क्रियांश डर रहा है, वहाँ जाना नहीं चाह रहा है, वो मन भी है और डर भी लग रहा है। जी गोद में उठा लो उसको। तो यहाँ पे हो रहा है समर कैंप, जो देखा आपने वहाँ पे समर कैंप चल रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था, सभी छोटे छोटे बच्चे थे, पूरा एंजॉय कर रहे थे। और क्रियांश जो है पापा गोदी आ गया है, उधर जो आप देख रहे हैं वो क्रिकेट खेलने का एरिया है, बहुत अच्छा लग रहा है उधर। तो यहाँ से हम जा रहे हैं जी होटल के एक और एरिया में जो कि है ग्रीन वैली। तो अंदर ग्रीन वैली है ना, ग्रीन हाउस है। ओके ओके ओके, चलिए ओके ओके, ठीक है ठीक है। ये देख सकते हैं जी कितना खूबसूरत सा जगह है यह। ओहो, अरे वाह, सच में होटल तो एकदम मस्त है, काश हम लोग भी कर लेते इसको बुक, तो बहुत बस हम लोग देख लेते हैं जी, हम लोगों को घुसने भी दे दिया गया, तो इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद होटल वालों का। हाँ हाँ, भैया भी हमें घुमा रहे हैं, एक आदमी भी दे दिया है, वही तो सही में अच्छे से कवर करवा रहे हैं। तो मन कर रहा है कि काश मेरा भी होता कि मैं ऐसे बुक कर पाती अपनी एनिवर्सरी के लिए। हाँ हाँ, हमारा इस बार सही बात है जी, किसी का ड्रीम ही हो सकता है ऐसा जगह। तो आप लोग दुआ कीजिएगा कि हम लोग कभी हो जाए, इस जन्म में या अगले जन्म में जरूर हो जाए हम लोगों का। तो होटल का जी एक एक एरिया एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ पर है म्यूजिकल फाउंटेन, फिलहाल तो अभी म्यूजिक ऑन नहीं है, तो अभी आपको फाउंटेन ही दिखा देते हैं, बहुत खूबसूरत। तो वहाँ पर LED स्क्रीन है, वहाँ पर भी तरह तरह का सब कुछ दिखेगा। काम होता है ना, तब वो
बिल्कुल उसके हिसाब से ये फाउंटेन काम करता है। हाँ हाँ हाँ, तो देख सकते हैं जी, बहुत ही खूबसूरत सा एरिया है, बेहतरीन सा एरिया है, पूरा हरा भरा एरिया है। यहाँ पर आएंगे तो कम से कम 4-5 दिन मन करेगा स्टे करें, होटल में रहे, कहीं जाए नहीं पा रहे। अकाउंट खाली हो जाएगा है ना, मेरा तो हो जाएगा, आप लोगों का होगा कि नहीं होगा वो मुझे नहीं पता। कोई क्रियान जो उधर देखे पूरा एंजॉय कर रहा है, बहुत एंजॉय कर रहा है, उसी में जाना चाह रहा है। अरे अरे अरे, बाप रे बाप रे, क्या उधर जाएगा तुम, ये देखिए पकड़ना चाहिए उसको।